मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फरीदाबाद में युवा मंथन विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिनी सरीन ने युवा समूह को आध्यात्मिक जागृति का संदेश देने के साथ किसी भी प्रकार का नशा न करने की दिलाई शपथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, श्री राम मॉडल संस्था व जीवा पब्लिक स्कूल का संयुक्त प्रयास। अंत में बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन और फरीदाबाद सेक्टर 21 डी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति को किया गया सम्मानित। भोपाल के ऋषि विलास सेवा केंद्र के द्वारा शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि विभिन्न आध्यात्मिक आयोजनों के द्वारा ब्रह्म कुमारी व्यक्ति निर्माण के कार्य में सतत संलग्न है और इसी की आज आवश्यकता है। जिस प्रभावी ढंग से यह कार्य चल रहा है वह बहुत ही अनुकरणीय है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण और बीके संगीता ने फहराया परमात्मा का शिव ध्वज। बालोद सेवा केंद्र पर हल्दी कुमकुम और वार्षिकोत्सव पर महिला सम्मेलन का आयोजन। विधायक संगीता सिन्हा, प्रकृति फाउंडेशन के अध्यक्षा श्वेता साहू ने की शिरकत। दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा रही मुख्य वक्ता। ब्रह्म कुमारी संस्थान को बताया महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण। वसई तालुका के विरार में वीर सेनाध्यक्ष निरंजन पाल द्वारा आयोजित कथा संत सम्मेलन 2024 का आयोजन। बीके प्रफुल्ला को राम कथा के लिए निमंत्रण। चार राम के चार धाम विषय पर कुछ रहस्यों को किया उजागर। बीके सारिका ने भी रखे विचार। कथाकार आचार्य बालकृष्ण महाराज और निरंजन पाल का किया सम्मान। नृत्य नाटक भी प्रस्तुत। ग्वालियर के मालनपुर सेवा केंद्र में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कार्यक्रम। विशिष्ट लोगों और सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने बताया कि श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त की थी। मालनपुर के ही वाणी भारती इंग्लिश पब्लिक स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बीके ज्योति ने ओम शांति शब्द का बताया महत्व। तुर्तियाई संतोष यादव ने बच्चों से शरीर को स्वस्थ रखने पर डाला प्रकाश। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर रेडियोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर राजेश ने स्वस्थ जीवन शैली के बारे में दी जानकारी। शुद्ध खान पान और व्यायाम का भी बताया महत्व। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने राजयोग के अभ्यास से मन को शक्तिशाली बनाने पर दिया जोर। दिल्ली में बरवाला के बिरला मंदिर में रिपब्लिक डे पर आयोजन। बीके काजल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों से अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने का आह्वान। दिल्ली के आरोग्य भारती ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेडिटेशन कार्यक्रम। राजयोग शिक्षिका बीके शिल्पा ने सिखाया राजयोग। बीके डॉक्टर ललिता मक्कर और बीके प्रेम मक्कर ने सुनाए राजयोग से होने वाले लाभ। गुजरात वलसाड़ सेवा केंद्र पर लगाया गया रक्तदान शिविर। सूरत वलसाड़ सब जोन प्रभारी बीके रंजन ने बताया कि संस्था के साकार संस्थापक रहे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। मौके पर डॉक्टर यजदी इटालिया को पद्मश्री पुरस्कार जीतने पर दी बधाई और शुभकामनाएं। भोपाल के खजूरी सड़क सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाया गया श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। श्री राम दरबार एवं शंकर पार्वती गणेश जी के सजाए गए चैतन्य झांकी। बीके संध्या ने श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए किया प्रेरित। इंदौर के गंगोत्री विहार सेवा केंद्र पर मनाया गया बालिका दिवस। बीके प्रतिमा ने संस्कारों की धरोहर बेटियां विषय पर किया संबोधित। महिला मोर्चा अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली के नरेला सेवा केंद्र पर धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, समाज सेवक सदाराम गुप्ता ने देश प्रेम और देश कर्तव्य की भावना से सभी को किया प्रेरित। इंदौर में सुदामा नगर के सेक्टर डी के समृद्ध सभागार में स्नेह मिलन का आयोजन। प्रेम नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं बताते हुए अपनी धारणाओं को मजबूत बनाने का किया आह्वान। बीके दामनी और बीके शल समेत सभी ने किया राज्यों का अभ्यास। मध्य प्रदेश के सीधी सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन। बीके नीलम और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सभी से विकारों की आहुति देने की कही बात।
रीवा के दिव्य नगरी निराला नगर स्लम एरिया के गरीब बच्चों के लिए शांति सद्भावना महोत्सव उत्सव एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन हाजी ए के खान, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन रीवा संभाग के अध्यक्ष व वरिष्ठ शिक्षाविद तथा नर्सिंग ऑफिसर अंजना बीके नेहा बीके आरती ने बच्चों को सिखाई प्रेरणादायी बातें। सेवा केंद्र पर कार्यक्रम संपन्न। टुंडला के रामनगर कॉलोनी में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चल रहे 9 दिवसीय रामकथा पंडाल में बीके बहनों ने दिया ईश्वरी संदेश। संत स्वामी धीर बाबा जी महाराज कथावाचक शास्त्री अंशुल बघेल को दी ईश्वरी सौगात। केरल कालीकुलम सेवा केंद्र पर स्वोन्नति हेतु एक दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने कहा कि दूसरों की विशेषताएं देखने और धारण करने से ही हमारी आत्मा की उन्नति होती है। मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा अल्पी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिशा समेत अनेक सदस्यों ने राजयोग का कराया अभ्यास। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर बालेश्वर सेवा केंद्र द्वारा चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बीके गणेश ने कई स्कूलों के बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की दी जानकारी। अभिभावकों से भी नशे जैसे दानव से खुद को बचाने का आह्वान। इसी तरह कोचीन में अडपल्ली सेवा केंद्र पर राज्यों का जीवन में बताया गया महत्व। प्रभारी बीके राधा ने राज्यों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील। बीके भगवान ने कहा कि राजयोग के द्वारा हम अपनी कर्मेंद्रियों पर संयम रख हर कर्म में कुशलता हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हरपालपुर के गायत्री मंदिर में मेरी संस्कृति मेरी पहचान विषय को लेकर आयोजन। बीके आशा ने नमस्ते करने का बताया महत्व। कहा, नमस्ते करने से आपको आंतरिक शांति और सुकून मिलता है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर के कालिकापुर नेताजी स्मृति रक्षा समिति द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम। घट्टल सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता, लेक्चरार बीके पवित्रा और बीके युगल ने निराकार परमात्मा का दिया सत्य परिचय। सभी से राजयोग सीखने का किया गया आह्वान। पंजाब के पठानकोट में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या ने बालिकाओं में अच्छे संस्कार भर सशक्त बनने का दिया संदेश। आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल करने की प्रेरणा। एडवोकेट सीमा महाजन समेत कई विशिष्ट लोगों ने कार्यक्रम को सराहा। तेलंगाना में सिरसिला के मंडल परिषद स्कूल में व्यक्तित्व विकास विषय पर आयोजन। सिरसिला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुकन्या बीके ललिता ने सर्वांगीण विकास पर दिया जोर। वहीं सिवनी सेवा केंद्र के द्वारा शहीद दिवस पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। बीके रामेश्वरी और बीके नीतू के नेतृत्व में रैली का भी आयोजन। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।